तीन बार सूरह इखलास पढ़ लीजिए, फिर इंशाल्लाह उनकी वादा मोहतरमा के लिए और हम सब के जो करीबी अहबाब इस दुनिया से जा चुके हैं उन सब के लिए दुआ करें। ये हदीस के अल्फाज हैं बिल्कुल इसी तरह कि दुआ इबादत का मगज़ है। मैं मुंतज़मीन की तवज्जो इस तरह दिलाना चाहूँगा कि जब दुआ हो रही हो इबादतों का जो मगज़ है तो आपकी अपनी मजबूरी है इंतजाम करना, लेकिन खामोशी के साथ उधर से दुआ होती हो रही होती है और इधर से हम कह रहे हैं आप पढ़ी यार ऐसे करी ओ पढ़ी, वो फिर अजीब सा माहौल बन जाता है। तो मुंतज़मीन से गुजारिश है कि दुआ के दौरान जस्ट इशारे से अपने इंतजाम जारी रखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन محمد صلى الله تعالى عليه اجمعين يا رب المصطفى يا رب المصطفى بخير المصطفى ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما اے اللہ محبوب کے آل کا واسطہ جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما جتنے مسلمان بے اولاد ہیں ان کو اولاد مدینہ عطا فرما جن کے اولاد ہیں ان کو والدین کا تابع فرما اور سچا پرکاش کے رسول بنا اے اللہ تو ہمیں بخش دے ہمارے पादे यार छाते पा भी दिया ना ना ओए तिन में के बाजी को प्लेटा लेके आ जड़ी बाहर रखनी है उसे जरूरत नहीं, लेकिन मौला हम अपनी बख्शिश करिए इनकी बारगाह में नजराना अकीदत पेश करते हैं कबूल फरमा या अल्लाह महबूब के आल का वास्ता इस सारे का सारा सवाब इन सब बुजुर्गों की बरकतें लिए हुए इन सब का सवाब हमें राजा नसीम अकबर हयात साहब राजा नदीम अकबर हयात साहब की वालदा मोहतरमा की रूह को इस सारे सवाब करते हैं कबूल फरमा। ऐला हम हाजरीन के जो अहबाब इस दुनिया से जा चुके हैं उन सब की रूहों को इस साल करते हैं कबूल फरमा। या अल्लाह तेरे महबूब का फरमान है कि तू रमज़ान शरीफ में हर घड़ी में 70,000 लोगों की बख्शिश फरमाता है और जितने पूरे हफ्ते में बख्शे होते हैं जुमे की हर साथ में इतने को बख्शता है। या अल्लाह जो आज बख्शे जाएंगे तुझे तेरे महबूब की आल का वास्ता या अल्लाह उनमें हमारा नाम भी शामिल फरमा। या अल्लाह जिनको तू आज बख्शेगा या अल्लाह उनमें हमारा नाम भी दाखिल फरमा। अल्लाह बख्शे हुओं में हमारा भी नाम दाखिल फरमा। या अल्लाह महबूब की आल का वास्ता तुझे तेरे महबूब के नवासों का वास्ता हमें तेरी रजा वाले काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ऐसे काम जिनसे तू और तेरा महबूब राजी हो जाए ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ऐसे काम जिनसे तू और तेरा महबूब नाराज होते हैं ऐसे कामों से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तेरे महबूब का फरमान है इफ्तार के वक्त दुआ कबूल की जाती है। या अल्लाह इतने मुसलमान हाथ उठाकर तेरी बारगाह में हाजिर हैं या अल्लाह जो सबसे तेरा प्यारा है मुझे उसी के उठे हुए हाथों का वास्ता हमारी दुआओं को कबूल फरमा। है अल्लाह तो दिलों की जानने वाला है जिस चीज के दिल में जो जो तमन्ना है अपने कर्म से पूरी फरमा। है अल्लाह जो मांगा अता फरमा जो नहीं मांग सके हमारे हाथों में बेहतर है तू अपनी रहमत से हमें वो भी अता फरमा। कहते रहते हैं तो आज के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसूर मजबूर की वसल्लल्लाहु तआला अला रसूल करीम अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अफ्तारी का वक्त हो चुका है लेकिन मस्जिद से आवाज नहीं आ रही। अल्लाह आ भी लिया हुआ हो गया नहीं। चलो थोड़ा।